नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे एक्सियम पर। राज आर्यन नाम है हमारा और आज हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि किसी सिस्टम के ऊपर लगने वाला जो भी नेट फोर्स आ रहा है वो जीरो होना चाहिए, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि सिस्टम पर जितना भी सारा फोर्स लग रहा है ये हमारा जीरो होना चाहिए। ठीक है, हम इसी के ऊपर स्टडी करने वाले हैं आज। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा हुआ था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हम लोग सबको अब पता चल चुका है। अगर एक यहाँ पर एक दो पॉइंट चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस कुछ r सेपरेशन पर है तो इनके ऊपर फोर्स लगेगा। तो हमने कहा था कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड चार्ज इज गिवन बाय के, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन आर स्क्वायर। वन पर अगर मान लेते हैं कि दोनों प्लस चार्ज है, इसने इसके ऊपर इधर फोर्स लगा देना है, ठीक है, इसने इसके ऊपर इधर फोर्स लगा देना है, तो इसने भी इसके ऊपर इधर ही फोर्स लगाना है। एफ ऑन टू ड्यू टू वन हो जाएगा, एफ ऑन वन ड्यू टू टू हो जाएगा। तो एफ ऑन टू ड्यू टू वन इज गेटिंग एज अगेन के सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे। तो हम कह देंगे नेट फोर्स क्या आ रहा है। देखो तो दोनों बराबर है, साफ दिख रहा है क्या? अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज दिख रहे हैं तो ये तो दोनों बराबर है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो हम ये कह देंगे कि इस पूरे कंडीशन में कि नेट फोर्स जो है ना, ये चीज क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, ये चीज आ रहा है दोनों बराबर होगा, और जब बराबर हो रहा है तो एफ नेट साफ दिख रहा है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या मिला हमको यहाँ पर, जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि इस सिस्टम का जो भी मोमेंटम होगा, है ना, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लिख देते हैं, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास वो भी जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये भी जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये भी जीरो हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये भी जीरो होगा अगर हम ये कह दें कि सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट है। अगर यहां पर कह दें कि सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है, और अगर जो भी मोशन पे होगा तो जो भी इनिशियल कंडीशन होगा सेंटर ऑफ मास का उसके हिसाब से ये चलने लगेगा, है ना। तो हम यहां पर ये भी बात लिख सकते हैं, अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है तो ये सब चीज होल्ड करेगा, और अगर हम कह देंगे सेंटर ऑफ मास शुरुआत में ही किसी स्पीड से चल रहा है तो वो सेंटर ऑफ मास का स्पीड हो जाएगा उस टाइम पे। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है बात? तो चलो हम इसी कंडीशन पे क्वेश्चन भी डील कर सकते हैं तुरंत अभी ही। यहां पर रिज्यूम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर वन कर लेते हैं कि एक यहां पर चार्ज है हमारे पास प्लस टू कूलम्ब का चार्ज यहां पर रखा हुआ है, और यहां पर प्लस में फाइव कूलम्ब का चार्ज रखा हुआ है। इसका वजन दिया है 4 kg और इसका वजन दिया हुआ 8 kg। ठीक है, ऐसे ही मास पर हम पहले बता चुके थे, कोई मैटर नहीं करता, अगर हम चाहें तो यहां पर हम 1 kg भी लिख सकते हैं। हो सकता है 1 kg पर ही ज्यादा चार्ज एक्वायर किया हुआ है और यहां पर ज्यादा मास पर भी कम ही चार्ज है। मास होना जरूरी है, हम ये बताए थे चार्ज के लिए, लेकिन ये कोई मैटर नहीं करता है कि मास कितना हो, है ना, इससे कोई मतलब है नहीं। मास होना चाहिए लेकिन कितना होना चाहिए इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर कंडीशन क्या कहता है, इफ वेलोसिटी ऑफ प्लस टू कूलम्ब इज 4 m/s देन फाइंड, है ना, 4 नहीं मान लेते, 10 m/s है, ठीक है, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ, है ना, वेलोसिटी ऑफ 1 kg ब्लॉक। 1 kg का जो चार्ज है उसका वेलोसिटी, या फिर प्लस फाइव जो है वही लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तो सेम ही है। तो सबसे पहली बात है कि अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है ना, इफ सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट पर है, तो सिस्टम अगर रेस्ट में है तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं, देखो चार्ज से तो मतलब सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, 4 kg के आसपास के बगल में ही होगा कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं रह जाएगा। और ये कह रहा है कि प्लस टू कूलम्ब वाला जो है वो 10 m/s चल रहा है, इसका मतलब 10 m/s से यही चल रहा होगा। अब एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो है इधर की तरफ 10 m/s से चल रहा है,
ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास को तो यहीं रहना पड़ेगा, तो इसके लिए इसको थोड़ा इधर चलना पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ मास यही रहेगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो मेरा या मोमेंटम जो आएगा सिस्टम का वो जीरो होना चाहिए नेट, है ना। तो हम ये लिखेंगे इसका इसका मोमेंटम जो बनेगा m into, है ना, m1 v1 is equal to m2 v2 हो जाएगा इसके लिए, है ना, इसका मास into इसका वेलोसिटी, इसका मास into इसका वेलोसिटी, दोनों को बराबर होना चाहिए। इसका मास क्या आना चाहिए, इसका मास कितना है 4 kg, वेलोसिटी 10, इसका मास है 1 kg into इसका वेलोसिटी v, तो v का वैल्यू कितना दिख रहा है 40 मीटर पर सेकंड, दैट्स योर आंसर। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से देखो, अरे क्या बोल रहा है कि मोमेंटम जो है सेंटर ऑफ मास का वो जीरो है, इसका मतलब क्या होता है m1 v1 plus में m2 v2 ये जीरो हो जाएगा, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि m1 v1 is equal to m2 v2 is in negative sort, है ना, तो negative इस direction में दिख भी रहा है इसके against में, अगर ये इधर जा रहा होगा तो ये इधर जा रहा होगा, सिंपल है। अगर हम उसी तरह से देखें इसका acceleration है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो इसका acceleration कितना हो जाएगा, तो हम इसी तरह से m into a लिखेंगे तब, है ना, अगर इसी में कंडीशन को देखिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल गया तो ये भी कितना से निकलेगा, निकाल सकते हैं आराम से, तुम लोग का अपना टास्क हो गया, नहीं लिख सकते हो क्या, अगर यहाँ अरे क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दे दिया है कि 4 वाला जो है अब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से निकल गया, तो 1 वाला कितना से चलेगा, तो 1 किसी ए एक्सेलरेशन से चलेगा, तो 1 वाले का जो ए एक्सेलरेशन है क्या हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है, एम इंटू ए बराबर एम इंटू ए, यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई फोर्स जीरो है, है ना, तो एफ सेंटर ऑफ मास का वो जीरो है यहाँ पर, तो F बराबर क्या है m1a1 प्लस में m2a2 इक्वल टू जीरो, हम ये अप्लाई कर लेंगे, बोल देगा इसी में सवाल ऐसा कर दिया कि ये 4 मीटर अगर इधर घसका है तो बताओ ये कितना गया है इधर, समझ में आ गया पूरा अच्छा से बात, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, चलो कॉपी करो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक चीज तो पढ़ा ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है ना, हम जानते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एनी डिस्टेंस इज गिवन बाय कितना होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, याद है ना, इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सबसे पहला दिन कूलम्ब लॉ में पढ़ाए थे, के की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर हवा में है तो, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू के कारण, है ना, अगर यहां पर कोई प्लस क्यू चार्ज है तो इसके कारण किसी आर डिस्टेंस पर इधर की तरफ, है प्लस से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसलिए इधर की तरफ, और माइनस चार्ज रहता तो यहाँ पर अगर माइनस क्यू चार्ज है तो इससे आर डिस्टेंस पर अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाएगा, समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत, इतना बात तो हम लोग सीखे हुए हैं, इस पर हम लोगों ने कुछ ग्राफ वगैरह भी खींचा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे आया था, कुछ इस तरह का आया था ना, याद आया, ये हम लोग सीखे थे पॉइंट चार्ज के कारण इस तरह से आता है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। अब हम इसमें एक चीज का यूज करेंगे और फिर यहीं पर से बात धीरे धीरे करके बढ़ेगा। सबसे पहला चीज सीख रहे हैं यहां पर, लोकेशन ऑफ नल पॉइंट, नल पॉइंट का लोकेशन, अभी नल पॉइंट क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, याद करो जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें हम बताए थे कि अगर कोई प्लस चार्ज है और अगर यहाँ पर भी कोई प्लस चार्ज है तो प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता है, ये भी ऐसे निकलता है ना, तो कुछ इस तरह का अपोजिंग नेचर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का कटने वाला भी नहीं है तो ये दूर दूर ही भाग जाएगा एकदम ऐसे ऐसे। ठीक है, तो एक जो लोकेशन बीच में बन रहा है हम उसको कहते हैं नल पॉइंट, इसे क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। अब ये मान लेते हैं कि दोनों का अगर सेम चार्ज है तो एग्जैक्ट बीच में नल पॉइंट होगा, और अगर मान लेते हैं ये ज्यादा हो गया तो इसका ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा तो ये थोड़ा इधर की तरफ नल पॉइंट शिफ्ट कर देगा, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस निकालेगा तो इसके बेंड इसको ज्यादा बेंड करवा देगा तो नल पॉइंट इधर शिफ्ट करेगा, और अगर ये ज्यादा हो गया तो नल पॉइंट उधर शिफ्ट करेगा,
तो पहला बात तो ये जान लो कि छोटा सा पहले नोट करके लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, ठीक है। हर सब बात को याद रखोगे ज्यादा बेटर रहेगा, बस सुनते जाओ दिमाग में बैठते जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो नल पॉइंट में पहला नोट क्या है, नोट नंबर वन, कि नल पॉइंट हैविंग ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो। पहला पॉइंट तो ये होगा कि नल पॉइंट हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो होगा। सेकेंड नंबर में नल पॉइंट, देखो अगर दो चार्ज है, दो चार्ज है, तो नल पॉइंट हर समय एज्यूम करो के भी देखो कि कहीं तो इधर तो जीरो नहीं हो सकता, इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। और अगर दोनों सिमिलर चार्ज है तो यहाँ होगा, और अपोजिट चार्ज होगा तो यहाँ वो भी दिखा देंगे कहाँ होगा, है ना। तो पहला बात तो इसी क्लियर है कि नल पॉइंट मस्ट लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, है ना। दूसरा क्या लिखेंगे, इट मस्ट लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, है ना। दो चार्ज के जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वहीं पर कहीं ना कहीं नल पॉइंट होना चाहिए। पी रहा है क्या होगा इसका, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखते हैं इसी में, तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि नल पॉइंट जो होगा हर समय क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। अगर हम मान लेते हैं कि Q1 चार्ज है और यहां पर अगर Q2 चार्ज है, तो हम कहेंगे कि नल पॉइंट क्लोजर होगा नल, है ना, इसके, क्योंकि ये तो ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस निकाल देगा, इससे क्या होगा कि ये नजदीक में ही बेंड हो जाएगा और ये ज्यादा दूर अगर धकेल के रखेगा, तो नल पॉइंट कहीं ना कहीं क्लोज आएगा, देखो ध्यान से, छोटे वाले चार्ज के तरफ आएगा, है ना। तो इट मस्ट बी क्लोजर टू स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड, यानी निगेटिव सोच लेना है, मैग्नीट्यूड देखना है कि मैग्नीट्यूड में कौन बड़ा और छोटा है, ठीक है। अगर यहां पर 10 कूलम्ब है, यहां पर 2 कूलम्ब है, तो 2 कूलम्ब के ही अगल बगल में होगा, 10 कूलम्ब से दूर होगा, ये बात समझ में आया। अब वो ये नहीं सोचना है कि प्लस है कि माइनस है, वो बाद में देख लेंगे, यहां तक समझ में आया ये बात, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, कॉपी कर लो पहले इसको, हम इसको इरेज कर लेते हैं फटाक से, जल्दी कॉपी करो। अब निकालेंगे लोकेशन है नल पॉइंट का कहां पर, है ना। सबसे पहले देखते हैं कि मान लेते हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं हम एक प्लस क्यू वन चार्ज रख रहे हैं, और यहां पर भी हम प्लस क्यू टू चार्ज रख रहे हैं, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, हम मान लेते हैं। तो हम जानना चाहते हैं लोकेशन कहां है, है ना, लोकेशन नल पॉइंट का कहां है। तो सबसे पहला बात तो यह है कि नल पॉइंट के लोकेशन के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इसके कारण पहले हम बात कर रहे थे कुछ कुछ जगह पे, है ना। तो पहले देखो इस प्लस वाले चार्ज के कारण, अगर हम मान लेते हैं किसी जनरल सा पॉइंट हम यहां पर बात करें, तो इस प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, इधर बनेगा। देखो ध्यान से, प्लस से निकलता है इलेक्ट्रिक लाइन, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा। इस प्लस के कारण किधर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी लाइन पर कहीं ना कहीं इधर बनेगा, है ना। ये प्लस वाला तो इसी लाइन पर ऐसे निकालेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया E1 और ये हो गया E2, और दोनों का कहीं ना कहीं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन जाएगा। तो ई नेट कभी जीरो नहीं होगा, उसका लेंथ कुछ आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर समय, ये हम इसलिए बताएं कि इसी लाइन पर कहीं ना कहीं रहेगा, क्योंकि इधर कहीं ना कहीं रहे, अगर इस एरिया में या फिर ऊपर साइड में अगर हम बात करेंगे, दिख भी नहीं रहा होगा ऊपर, अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे तो ऊपर में हर समय इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो हम उधर उधर नहीं बात करेंगे, हर समय इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं लाइन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स या दो चार्ज के बीच में आएगा, ठीक है। पहला बात तो ये समझ में आ गया, इसको हटा दे रहा है। अब बात करते हैं कि कहां होगा इसी पर, तो एज्यूम कर लेते हैं भाई, हम मान लेते हैं यहां पर है, मान लेते हैं इस पॉइंट पर हम स्टडी करना चाहते हैं, तो यहां पर होगा कि नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चलो स्टडी करते हैं। तो प्लस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, इधर, और इस प्लस कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, तो क्या कभी जीरो हो सकता है क्या, इस कंडीशन दोनों तो ऐड हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन जाएगा, तो ये पोजिशन हम किसी तरह से नहीं कर सकते, सही है। चलो अगर हम इधर देख लें, है ना, इस पॉइंट पर, तो इधर इस प्लस कारण इधर बनेगा, इस प्लस कारण भी इधर ही बनेगा, तो फिर से ये जीरो नहीं होगा, ठीक है, ये किसी काम का नहीं है। तो चलो हम बीच किसी पॉइंट में बात करते हैं, किसी डिस्टेंस एक्स पे बात कर रहे हैं,
तो देखो ये प्लस वाला करंट फील्ड इधर बन सकता है और इस प्लस का इधर बन जाएगा, समझ आया कि नहीं? फिर से देखो, प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड हर समय देखो प्लस से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इस प्लस से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो E1 इधर हो जाएगा, E2 इधर हो जाएगा। अब ये कंडीशन हो सकता है कि जीरो हो जाए, क्योंकि जितना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इसने निकाला है उतना ही बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इसने निकाला है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकता है इस जगह पे। तो हम ये कह सकते हैं कि एट पॉइंट पी है ना, एट पॉइंट पी देयर मस्ट है ना, देयर मस्ट बी ई नेट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां पर ये जीरो हो सकता है। इफ दिस हैपन ओनली है ना, दिस हैपन ओनली इफ कह सकते हैं यहां पर से E1 का जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इसने उसको पकड़ कर इस पर पक उधर उधर वाला बोले इधर भागो नेट वाला फंस जाएगा ना, रस्सा कस्सी वाला याद है? तो वैसा ही कुछ बन जाएगा। इन इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉब्लम पता है कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का होता है K Q/R2। ठीक है, तो चलो प्लस वाले कारण बात करते हैं, इसके कारण E1 कारण होते हैं, इसके कारण के लिखेंगे, इसका चार्ज है बोला Q/R2 KQ1 है ना, KQ1 अपॉन यहां से तक का डिस्टेंस x है, इसलिए हम लिख देंगे x का स्क्वायर। एक चीज समझ में आ रहा है बात, सेकंड में हम लिख सकते हैं दूसरे वाले का K E2 किसने निकाला है भाई, इसने निकाला है, तो K इसका चार्ज लिखेंगे और यहां से तक का डिस्टेंस लिखेंगे फिर है ना, क्योंकि हमको इसी पॉइंट पर बात करना है, तो यहां से तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डी माइनस में एक्स हो जाएगा है ना। देखो पूरा डिस्टेंस अगर डी है और ये एक्स है तो ये डी माइनस में एक्स नहीं होगा, तो क्या बनेगा K Q2/D-X का होल स्क्वायर। K से K खत्म हो गया, और जब भी ऐसा सवाल बने तो पहला बात याद रखना इसको तोड़ मत देना, स्क्वायर रूट करना है, दिमाग बैठा फिर से सुन लो, स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि √Q1/X = √Q2/D-X, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहां से, तो क्या हो जाएगा √Q1 × D − x (√Q1) = √Q2 × x। हमको x निकालना था, देख लो x कितना आ रहा है, तो √Q1 / √Q2 + √Q1 × D, दिस इज योर x इस जगह पर। अब ये फॉर्मूला याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो कोई बहुत बड़ा बवंडर नहीं फटेगा, ये स्टेप करने आना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसी में एक एग्जांपल इसी में कर लेते हैं, ठीक है एग्जांपल नहीं, पहले हम एक और कंडीशन बना लेंगे निगेटिव वाला है ना, अगर मान लेते हैं दोनों में से एक निगेटिव है तो ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लो जल्दी से। एज्यूम कर लेते हैं कि इस दोनों में से इस बार एक निगेटिव है, मान लेते हैं यही निगेटिव है Q1 और ये वाला प्लस है Q2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है D। अब हम बात करते हैं किसी पॉइंट पर, अब इधर इधर तो समझ में आ चुका है कि इधर इधर यानी कि इस लाइन पर ही होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं जीरो। चलो हम पहला ही पॉइंट यही एज्यूम करते हैं कि यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, चेक करते है कि नहीं है, तो भाई माइनस का तो पता है कि माइनस में है ना प्लस वाले से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस में टर्मिनेट करता है, ये तो पता है ना सबको, ऐसा होता है प्लस वाले से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस वाले में टर्मिनेट कर जाता है। तो जब ऐसा हो रहा है तो माइनस वाले में देखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, अब प्लस के कारण तो यहां पर बाहर ही निकलेगा, दोनों जुट रहा है रे बाबा, यहां पर जीरो हो ही नहीं सकता। फिर समझ लो माइनस में आता है प्लस से निकलता है, तो जब प्लस से निकल रहा था इधर निकलेगा, अब माइनस में जब आएगा तो इधर आएगा, तो दोनों जुट जाएगा ना, तो यहां पर जीरो नहीं हो सकता है, इसमें बीच वाला कंडीशन में नहीं बात कर सकते। ठीक है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं, चलो ठीक है हम एक मान लेते हैं कि इधर ही मान लेते हैं यहां पर, तो इस प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा है ना, और इस माइनस का अंदर आएगा, तो यहां पर हो सकता है जीरो। लेकिन दिक्कत क्या है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो छोटा है Q2 से, क्योंकि मेरा बोर्ड हम गलती बना दिया, मान लेते यही छोटा है। अगर ये छोटा है, एक तो
चार्ज छोटा है, ऊपर से डिस्टेंस भी ज्यादा दूर में है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनने वाला होगा ये वाला, ये बहुत छोटा हो जाएगा। छोटा चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ऊपर से दूर में भी है। एक तो देखो ये बहुत बड़ा चार्ज भी है और नजदीक में भी है, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी कि यहां पर कभी भी जीरो पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गया? नहीं आया ब्रम, वीडियो पीछे करो। अगला पॉइंट यहां देखो, ठीक है, माइनस करंट यहां पर इधर की तरफ आ जाएगा, ई वन बनाएगा, ये प्लस करंट ई टू इधर बनाएगा। अब यहां पर भी तो ऐसा कंडीशन हो सकता है, भाई नजदीक है दूर है, चलो ठीक है देखते हैं। माइनस कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा है मगर नजदीक में है, मैग्नीट्यूड छोटा हो चुका है लेकिन नजदीक में है, तो नजदीक कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ सकता है, छोटा होने के कारण घट सकता है। ये कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बन सकता है कि इस जगह पे कि हो सकता है गलती से जीरो हो जाए, है ना। तो चलो देख लेते हैं कि कौन से जगह पे ऐसा कुछ पॉसिबल बन केस बन सकता है। चलो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, हमने ये लेट करके रखा हुआ है ना, लेट से दिख ही रहे हम लोग, जल्दी लिखते ही नहीं है, है ना। तो हम ऐसा वही चीज है पूरा का पूरा कहानी। तो हम E1 के ऊपर बात करेंगे, E1 का वैल्यू तब क्या लिखाएगा, यही यही है ना, E1 के Q1 अपॉन इससे इसका डिस्टेंस कितना x लिखे हम, x का स्क्वायर इज इक्वल टू के Q2 अपॉन इस बार यहां से तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी प्लस एक्स नहीं हो जाएगा, यहां से जाएगा डिस्टेंस डी प्लस एक्स, है ना। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बन रहा है इधर की तरफ, इसलिए डी प्लस एक्स हो जाएगा का होल स्क्वायर, के से के खत्म हो गया, तोड़ देंगे क्या स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, पाप लगेगा बहुत बड़ा वाला, डी प्लस में एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, रूट ओवर क्यू वन इंटू डी प्लस में रूट ओवर क्यू वन इंटू एक्स रूट ओवर क्यू टू इंटू एक्स, ठीक है। तो यहां से अगर हम निकालें तो रूट ओवर क्यू वन इंटू डी इज गेटिंग एज रूट ओवर क्यू टू माइनस में रूट ओवर क्यू वन इंटू एक्स आ रहा है, एक्स का वैल्यू क्या दिख रहा है हमको यहां से, सॉरी क्यू वन था, रूट ओवर क्यू वन इंटू डी अपॉन रूट ओवर क्यू टू माइनस में रूट ओवर क्यू वन, एक्स का ये वैल्यू आ गया, ठीक है। इसका मतलब देखो साथ घूम फिर करके वही इक्वेशन आया है, एक्स का फॉर्मूला याद रख लो, रूट ओवर क्यू वन यानी कि वही छोटा चार्ज बाय रूट ओवर क्यू वन प्लस माइनस में रूट ओवर क्यू टू इंटू डी। अब यहां पर ये डिपेंड करता है कि कौन प्लस माइनस है ना, तो अगर हम इसको प्लस माइनस भी रख सकते हैं, इसको प्लस माइनस, अगर ये प्लस रहा, दोनों प्लस रहा तो प्लस लिखेंगे, अगर दोनों माइनस रहा तो माइनस ही लिख लेंगे, तो भी प्लस ही आ जाएगा, और अगर ये माइनस रहा क्यू वन मेरा माइनस में रहा, जैसे यहाँ देखो क्यू वन माइनस में था तो माइनस आ रहा था, और क्यू टू हमारा प्लस में रख लेंगे, है ना, समझ रहे हो। तो डिपेंड करता है किस तरह से चीजों को हम यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला बनेगा, याद रखो नहीं रखोगे फर्क नहीं पड़ता, सवाल बनेंगे भी पटक से, जल्दी 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 कॉपी करो। अभी दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बेस पे। पहला क्वेश्चन यही है कि एक यही है जो यही है, जो यही है वो यही है कि ये यही है, एक कूलम, और यहां पर है हमारे पास 9 कूलम का चार्ज दिए हैं, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कह रहा है 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, और एक यही है जो यही है। क्वेश्चन नंबर 2 कि एक ले लेते हैं माइनस में, चलो यही ले लेते हैं, यहां पर माइनस में 1 कूलम और यहां पर ले लेते हैं प्लस में 9 कूलम, अपोजिट वाला भी है। तो हम समझ चुके हैं दोनों में अगर प्लस प्लस होगा तो एक कंडीशन यहां बन सकता है कि ना प्लस छोटा वाला चार्ज के ही बगल में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो हो सकता है, तो इस प्लस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा, इस प्लस यानी इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, और दोनों का दोनों हो सकता है कि अगर गलती से बराबर हो गया, E2 लिखे यहां पर तो गया मामला फंस गया, है ना। मान लेते हैं ये कोई x डिस्टेंस के ऊपर बात कर रहा है, ये तो डिस्टेंस आई थिंक 10 माइनस में x होना ही चाहिए, x सेंटीमीटर में है, तो हम क्या लिखेंगे इस कंडीशन में, E1 जो है वो E2 के बराबर हो जाएगा, E1 के जगह पे क्या लिखेंगे, के 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर और के 9 अपॉन 10 माइनस में एक्स का होल स्क्वायर, फिर तो याद है ना क्या कर देते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab कर लेंगे, है ना, तो आप लगता है ना याद है ना, 3 अपॉन 10 माइनस में एक्स कैसे आया, स्क्वायर रूट कर दिए दोनों साइड, है ना, स्क्वायर रूट कर दिए, तो क्या हो जाएगा यहां से 3x इज इक्वल टू 10 माइनस में x, यानी कि 4x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 अपॉन 4, मजा आ गया सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि लगभग 2.25 सेंटीमीटर के आसपास में आ गया,
तो देख लो, बताए भी थे क्लोजर आएगा, बीच में नहीं आया, छोटे वाले क्लोजर अभी आया ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अगले कंडीशन में बात करते, इस वाले में तो पता है छोटे वाले के इधर ही आने वाला है, फिर से बोलते हैं इसके माइनस कारण अंदर की तरफ बनेगा, प्लस वाले कारण बाहर की तरफ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया वन, ये हो गया टू, और ये डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं एक्स, और ये डिस्टेंस वही 10 सेंटीमीटर पिछले वाला ही ले लेते हैं। ये डिस्टेंस क्या बनेगा, 10 प्लस में एक्स बनेगा, रोना दोनों सेम है तो हम E1 के जगह पे E2 लिख देंगे, सॉरी E1 इक्वल टू E2 लिख देंगे, और E1 इक्वल टू E2 की जगह क्या लिखेंगे, K1 अपॉन एक्स, K9 अपॉन 10 प्लस एक्स, K1x, सॉरी स्क्वायर है, पाप लगेगा रे, सी छी 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 छी, 3 अपॉन 10 प्लस में x, तो यहां से क्या 10 प्लस में x इक्वल टू 3x, तो 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, आई थिंक 2x, तो x इक्वल टू क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इधर छोटे वाले के नजदीक में आ गया। समझ में कैसे निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, जल्दी कॉपी करो। अगले की तरफ बढ़ते हैं, अगला है हमारे पास, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, ठीक है, प्लेस्ड एट नल पॉइंट सच दैट सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम, है ना, रिमेन इन इक्विलिब्रियम, है ना, कैसा इक्विलिब्रियम हमको चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना, कोई केमिस्ट्री, सॉरी ठीक, फोर्स जीरो होना चाहिए, कहाँ केमिस्ट्री, सटी आ गई, खैर अगर मजाक नहीं, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये मान लेते हैं कि यहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि यहां पर बड़ा ही बनाते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, यहां पर प्लस Q2 चार्ज है, यहां पर प्लस में Q1 चार्ज है, और हमको पता है कि हमें कुछ नहीं पता है, जब हमें कुछ नहीं पता था तो हमने लिखा इसको कि इसका डिस्टेंस है डी, ठीक है, और जब हमको कुछ नहीं पता था तो हमको यह पता है कि कुछ नहीं पता है, नल पॉइंट कहां है इसके, कहीं ना कहीं मान लेते हैं ये छोटा चार्ज है तो यहीं पर कहीं ना कहीं होगा, नल पॉइंट है ना इसी जगह पे, है ना, कोई एक्स डिस्टेंस पर, है ना, नल पॉइंट का एक्स का लोकेशन याद है ना, एक्स का वैल्यू कितना बताया था अभी, रूट ओवर छोटा वाला चार्ज अपॉन रूट ओवर Q1, अगर दोनों सेम चार्ज है तो रूट ओवर Q2, ये हो गया लोकेशन ऑफ नल पॉइंट। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब सवाल आगे बढ़ता है, सवाल क्या आगे बढ़ रहा है, कह रहा है कि हम एक तीसरा चार्ज रखें, अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो अभी तीसरा चार्ज नहीं रख रहे, क्या हम ऐसा कंडीशन सोच सकते हैं कैसे एक चार्ज को प्लस वाला को प्लस वाला रखें और चुपचाप से हम बैठा रह जाए, पॉसिबल है, सोच के देखो, ये बोलेगा तुम हिरने भागो, ये बोलेगा तुम होने भागो, ये दोनों मान लेते हैं कि कोई एक सेंटर ऑफ मास है जिसके अभाव की एक्सेलरेट कर जाएगा ये बाहर की तरफ, ये इधर निकल जाएगा और ये इधर निकल जाएगा, बात समझ में है कि नहीं है, देखो ये बोल रहे हैं तुम उधर भागो, ये कहता है तुम इधर भागो, और दोनों कहता ठीक है हम दोनों भाग जाते हैं, इसको हम चाहते हैं कि सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में रहे, रुक जाए यहीं का यहीं रहे, ये किसी इंस्टेंट पर इस डी डिस्टेंस पर है, लेकिन हम चाहते हैं कि समय बीतते भी रहे तो भी ये इसी जगह पे रहे, इसके लिए कोई ना कोई एक बांध के रखने वाला कोई ना कोई चाहिए यहां पर, तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि एक ऐसे मतलब इसी नल पॉइंट पर ही, जिससे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ गड़बड़ वड़बड़ ना कर ले, एक तीसरा चार्ज हमें क्यू रख देते हैं, ठीक है, और ये चार्ज कैसा हो, निगेटिव होगा, देखो ध्यान से, क्यों, ये माइनस होगा तो इसको पकड़ खींच कर रखेगा, ये माइनस होगा तो इसको भी जो उधर भाग रहा था उसको इधर खींच कर रख लेगा, यानी कि दोनों को खींच कर रखेगा, ठीक है बात, इसीलिए कैसा होना चाहिए, दिस थर्ड चार्ज मस्ट बी निगेटिव होना चाहिए, और यही तीसरा चार्ज का काम है। तो पूछ रहे कि कितना बड़ा चार्ज रखें कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी कि इतना बड़ा चार्ज रख लिया यहां पर कि दोनों को ऐसा किया कि खींच करके सामने ये लेके चलाया,
या इतना छोटा चार्ज रखे कि खींच ही नहीं पा रहा है, अपना निकले जा रहा है ना। तो एक ऐसा भी तो बीच का मामला फंसेगा कि जिसका कि जिसके जगह पे कि ये जो दोनों का दोनों चार्ज ऐसे पकड़ के रखा है, होल्ड करके ना, बाहुबली। हाँ बा, चलो ठीक है, तो हम समझ में आ चुका है एक्स के बारे में। तो हम क्या सीखना चाहते हैं कि ये चार्ज हिले नहीं, या फिर ये चार्ज नहीं हिले जहां पर है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज टू चार्जेस, या फिर हम इसी के ऊपर बात करेंगे तो ये दोनों चार्ज इसको पकड़ के जितना जोर से खींचे कि यहां पर रुक जाए। तो अगर हम मान लेते हैं क्यू वाले के ऊपर ही बात करते, इसी वाले पर, इसी प्लस क्यू पर बात करते हैं, ठीक है। हम इस पॉइंट का नाम देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं पी, इसका नाम देते हैं बी। तो हम इस पर देखते हैं कि ये प्लस वाले के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है। तो ये माइनस वाला फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, तो फोर्स लगा रहा है ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू पी लग रहा है। और ये भी इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा होगा, है ना, प्लस वाले को रिपेल कर रहा होगा, इधर लगा रहा होगा फोर्स, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी लग रहा होगा। और अगर ये दोनों फोर्स इस बार बराबर हो जाए तो मामला बच जाएगा। समझ में आया बात, कि इफ एफ ए पी इज इक्वल टू एफ ए बी देन ओनली सिस्टम डी इन इक्विलिब्रियम, है ना। तो फोर्स के जगह पे क्या लिखते के क्यू वन की टू बटा आर स्क्वायर, के ए पी ए पी ए पी ए पी ए पी ए पी ए पी, है ना। हाँ, क्यू वन और क्यू, के क्यू वन इंटू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितना है एक्स से, क्या एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू वन, है ना। अगर ए बी के बारे में बात करेंगे तो के ए बी के बारे में बात करें, देखो ध्यान से, ए बी ए यहां है, बी यहां है, तो के क्यू वन बी यहां है क्यू टू अपॉन यहां से तक का डिस्टेंस कितना डी, तो है डी का होल स्क्वायर। अरे बस सुनने, तो के क्यू वन खत्म हो गया, तो क्या बचा हमको, स्मॉल क्यू ही चाहिए था ना, तो क्या बचा क्यू टू एक्स का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और हमको ये क्यू चाहिए था क्यू टू अपॉन डी स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स तो यही है ना, इसी का स्क्वायर कर देंगे, इसी का स्क्वायर करेंगे क्या बचेगा, क्यू वन इंटू डी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर क्यू वन प्लस पे रूट ओवर क्यू टू का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर खत्म हो गया। तो स्मॉल क्यू का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन रूट ओवर क्यू वन प्लस में रूट ओवर क्यू टू का होल स्क्वायर, और ऑलवेज इन अपोजिट इन नेचर विद दीज टू चार्जेस, इज दैट ओके। चलो कॉपी कर लो, पूरे अच्छे समझ में आ गया, नहीं समझ में रिवर्स करो, वाइट सब समझ में आ जाना चाहिए, कुछ नहीं किए रहो। अब अगर हम इस पे बात करते तो भी सेम आता, यही आता, क्योंकि ये फॉर्मूला है। अब सवाल बनेंगे इसके ऊपर, एक क्वेश्चन इसी पे देख लेते हैं फटाक से, ठीक है, कि यहां पर एज्यूम कर लेते हैं, यहां पर हम प्लस फोर कुलम का चार्ज रखे हैं, नाइन रखते हैं, है ना, हमको पसंद है नाइन वाला, और ये डिस्टेंस है डी। तो कह रहे कहां पे रखोगे, सॉरी कहां पे नहीं, कहां पे तो पता चल ही रहा है, कितना चार्ज रखोगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो हमको पता है कहां पे रखने हैं, है ना, ये तो पता है ना, वो डिस्टेंस एक्स तो निकाल सकते हैं ना, वो भी निकाल दिखा दें। अच्छा ठीक है, फिर से प्लस वाले कारण इधर, इस प्लस वाले कारण इधर, है ना, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनेगा, E1 और E2 दोनों बराबर कर लेंगे, अभी तो सिखाए थे तुम्हें। तो E1 E2 कितना हो जाएगा, E1 का वैल्यू देख लो क्या, K1 अपॉन ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है, x का स्क्वायर K9 अपॉन d माइनस में x का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 अपॉन x इक्वल टू 3 अपॉन d माइनस में x हो जाएगा। तो यहां से होगा d माइनस में x इक्वल टू 3x, x इक्वल टू d अपॉन 4, इतना आ रहा है एक्स का वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए, क्या हम रखें इस जगह पे चार्ज, यहां पर हम कितना निगेटिव ऑफ क्यू रखें कि जिससे कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये तभी इक्विलिब्रियम में आएगा जब इस प्लस वाले के ऊपर इधर की तरफ, चलो यहां बना देते हैं इसी प्लस वाले को, यहां पर दिखा दे रहा है, तो इस प्लस वाले को ये माइनस वाला अपनी तरफ फोर्स लगाएगा जिसको हम कह देंगे एफ वन, और ये प्लस वाला रिपेल करेगा जिसको कर लेंगे F2, और दोनों बराबर होना चाहिए तभी हम इक्विलिब्रियम में के कंडीशन के बारे में बात कर सकते हैं। F1 बराबर क्या हो जाएगा F2, F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा K
पहला चार्ज वन, दूसरा चार्ज क्यू अपॉन यहां से तक कंडीशन कितना एक्स है, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन डी का होल स्क्वायर। समझ में आया ना, ये के टू के बारे में बात कर रहा था, इसने इसके ऊपर लगाया था फोर्स है ना, तो ये दोनों के वन और नाइन बाय डी स्क्वायर। के वन खत्म हो गया तो क्यू निकालना है हमको, तो नाइन एक्स का स्क्वायर बाय डी स्क्वायर हो चुका है, तो नाइन एक्स का जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बाय सिक्सटीन अपॉन डी स्क्वायर, तो नाइन अपॉन सिक्सटीन माइनस में आएगा ना क्यू का वैल्यू, कूलम्ब आंसर। इट्स टू इजी है ना, कॉपी करो अभी, सवाल कमी नहीं है। चलो अब देखते हैं एक सवाल है ना, तो यहां पर हमारे पास तीन चार्ज दिया हुआ है और तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखा हुआ है। यहां पर रिज्यूम कर लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो सबसे पहला बात तो ये सबको पता है कि यहां पर अब सेंटर ऑफ मास पर यानी सेंट्रोइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो आने वाला है, ठीक है। तो हम उसी जगह पर एक नया तीसरा चार्ज रख देंगे या चौथा चार्ज यहां पर रखना पड़ेगा, जिसको हम कह देते हैं माइनस में क्यू चार्ज, क्योंकि माइनस क्यों रखेंगे, क्योंकि तीनों का तीनों बाहर निकलना चाहेगा, ये माइनस चार्ज इस तीनों को होल्ड करना चाहिए, यहां पर रख देंगे इसको, जिसके कारण से ये हो सकता है कि ये एक नेट फोर्स तीनों पर जीरो करवा दे। तो हम पहले इसी वाले पर बात करते हैं, इस वाले के ऊपर प्लस क्यू वाले के ऊपर। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो इस प्लस वाले को ये प्लस वाला इधर की तरफ रिपेल कर रहा होगा किसी एफ फोर्स से, इसका वैल्यू हो जाएगा के क्यू क्यू यानी के क्यू का स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस यहां से तक डी दिया हुआ है हमको, ये हो जाएगा डी का स्क्वायर। सिमिलरली ये प्लस वाला भी इधर की तरफ फोर्स लगा देगा, जिसका वैल्यू भी सेम ही होगा क्योंकि चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा वो तो इधर ही बनने वाला है, जिसका वैल्यू हो जाएगा टू एफ कॉस सिक्सटी बाय टू है ना, टू एफ कॉस थीटा बाय टू होता है रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस के कारण, ये इधर की तरफ आ जाएगा। अब ये माइनस वाला इधर की तरफ इसको खींचेगा, इसको हम कर देते हैं एफ डैश, और अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस एफ डैश को इसके बराबर होना पड़ेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि एफ डैश इक्वल टू टू एफ कॉस 60 बाय 2 यानी कि 30 डिग्री आ जाएगा। तो एफ डैश के जगह पे क्या लिख देंगे कि एफ डैश के जगह पे, अच्छा यहां से तक का डिस्टेंस क्या बनेगा, डी अपॉन रूट थ्री है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका सेंट्रोइड से वर्टिसेस का एंगल लेंथ कितना होता है, डी अपॉन रूट थ्री हो जाता है। तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डी अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर, यहां से बनेगा टू एफ के जगह पे ये लिख देंगे के क्यू का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इन टू कॉस 30 का वैल्यू होता है रूट थ्री अपॉन टू, टू से टू खत्म हो गया, यहां से बनेगा के से के भी खत्म हो चुका है, क्यू से क्यू भी खत्म हो चुका है, कैपिटल क्यू इज गेटिंग एज स्मॉल क्यू रूट थ्री अपॉन बाय थ्री है ना, थ्री रूट थ्री का स्क्वायर थ्री ऊपर चला जाएगा, वो थ्री इधर चला आया, तो बाकी कुछ बचा ही नहीं है, तो क्यू का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस में स्मॉल क्यू अपॉन रूट थ्री कूलम, दैट्स योर आंसर है ना, समझ में आ गया बात। इसी तरह से अगर हम एक टास्क के रूप में दे देते हैं तुम लोग को, ठीक है ना, यहां पर अगर हम फोर चार्ज रिज्यूम कर लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज है, तो कह रहे हैं भाई यहां बताओ कि कितना हम माइनस क्यू चार्ज रखें, अगर ये डिस्टेंस डी है तो कितना हम चार्ज रखें कि जिससे कि सिस्टम में हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाए है ना, यहां पर माइनस में क्यू चार्ज रखेंगे, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पर हम नेट फोर्स निकालेंगे, तो इसी कारण नेट फोर्स किधर बनेगा, एक एफ तो इधर बनेगा, इसी कारण इधर बनने वाला है एक एफ और इसी कारण इधर बनने वाला है, ठीक है, इस तीनों का ये एफ डैश कर सकते हैं। और इसने बोलना है कि भाई हम इधर की तरफ खींच देंगे एफ डबल डैश, तो क्या यहां पर क्या कंडीशन बोलेंगे कि एफ डबल डैश इस दोनों के रिजल्टेंट और प्लस में इसका बराबर आना चाहिए, यानी कि एफ डबल डैश यहां पर क्या बोलेंगे यहां पर कि एफ रूट टू है ना, इस दोनों का रिजल्टेंट एफ रूट टू इधर आएगा और प्लस में एफ डैश के बराबर आ जाएगा, और इससे हम कैपिटल क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं इस वाले कंडीशन में। ये हम लोग हम टास्क दे रहे हैं ना, ये सॉल्व करके दिखाना है हमको। इसी तरह से एक और सवाल दे सकते हैं, मान लेते हैं कि एक हेक्सागोन है ना, हेक्सागोन के भाई सेंटर पर अगर हमारी जगह प्लस क्यू चार्ज रखें, ठीक है,
तो सेंटर पर माइनस क्यू चार्ज का वैल्यू कितना होगा हमको ये निकाल के दिखाना है। दिस इज योर कॉम्प्लिकेटेड वन बट सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, किसी भी जगह पर अगर हम देखेंगे इस जगह पे इसमें कुछ फोर्स बनेगा इसका, है ना, फिर इसके कारण भी देखना पड़ेगा। तो ये लेंथ हमको निकालना एक टास्क बन हो गया, फिर ये लेंथ निकालना है, ये लेंथ निकालना है और ये लेंथ निकालना है, तो किसी भी जगह पर अब फिर इसके कारण भी देखना पड़ेगा हमको, तो कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, इशू बनेगा यहाँ पर, लेकिन देखते हैं कौन सॉल्व करता है, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आया, चलो कॉपी करो जल्दी से, ठीक है। अब देखते हैं एक कंडीशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला नंबर में ध्यान से रखना अब यहां से चीजों को, मान लेते हैं कि यहां पर प्लस में 1 कूलम का चार्ज रखे हुए थे अभी तक, और यहां पर हम माइनस में 9 कूलम का चार्ज रखे हुए थे, इन दोनों का डिस्टेंस हम दिए हुए थे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक हम एज्यूम करते हैं कि किसी जगह पर, अब यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पर यहां पर ही जीरो आने वाला है ना, तो ये लोकेशन कितना था, ये लोकेशन कितना था, 5 सेंटीमीटर था क्या ये लोकेशन, आई थिंक 5 सेंटीमीटर था। तो हम यहां पर कितना चार्ज रखें, ठीक है, और किस तरह का चार्ज रखें, पहला चीज तो ये है। दूसरा नंबर में जिससे कि ये, तो देखो यहां ध्यान से, ये भाई अगर हम निगेटिव रखेंगे तो ये निगेटिव वाला क्या करेगा, इस निगेटिव वाले को रिपेल करेगा, निगेटिव वाला इस प्लस वाले को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है बात, और ये निगेटिव वाला इस निगेटिव वाले को भी रिपेल करेगा, ये प्लस वाला इसको खींच सकता है, ठीक है, इस तरह कंडीशन बनेगा। तो हम एक मान लेते हैं कि यहां पर एक कोई भी चार्ज हम क्यू रख दे रहे हैं, जिस कारण से हम देखना चाहते हैं कि जो भी एक, अगर ये इक्विलिब्रियम में आता है इस जगह पे, ये किस तरह का इक्विलिब्रियम यहां पर शो करेगा, ठीक है। यहां तक बात, माइनस में ही चार्ज रखे हैं क्योंकि माइनस ही रखना पड़ेगा हमको जिस कारण से ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो हमको यहाँ पर जो माइनस में चार्ज रखे हैं ये किस तरह का इक्विलिब्रियम देता है, यहाँ पर स्टेबल दे रहा है या अनस्टेबल दे रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि ये पूरा का पूरा सीन क्या है इस पूरे कहानी में। एक दो चीज समझ लो पहले कि जो 1 कूलम का चार्ज है इसका ग्राफ हम लोग को पता है, प्लस वाले का, ध्यान सुनना है मेरी बात को, इस प्लस वाले के कारण इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट क्लोज में इंफिनिटी होता है, हमें ऐसे कहते हैं, और इसके राइट साइड में भी इंफिनिटी बनेगा, लेकिन उल्टे साइड में इधर बनता था, इसलिए हम इधर का दिखा देते ग्राफ, अरे वो समझ में। उसी तरह से माइनस वाले का भी इस तरह से बना सकते हैं, अगर माइनस वाले का अगर हम बनाए 9 वाले का, माइनस वाले का कैसा बनेगा, माइनस वाले कारण आता है इधर की तरफ, है ना, लेकिन इस साइड में, अरे वो समझ में, और माइनस वाले कारण अगर हम इस साइड में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इधर दिखेगा, है ना, तो नेगेटिव साइड में देखेगा, जस्ट इस साइड में देखेंगे, राइट साइड में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इधर, मतलब नेगेटिव साइड में इन्फिनिटी दिखेगा, नेगेटिव साइड में इन्फिनिटी इस तरह से, ठीक है। तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, माइनस 9 वाले का ऐसा, अब प्लस 1 वाले का ऐसा, ठीक है, हम बस ग्राफ देखिए यहां पर। अब इस ग्राफ को हम इरेज कर देना, हम जो बोलना चाहते हैं अब वो समझना है, मेरा बात पूरा ध्यान से, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस 1 चार्ज है, तो प्लस 1 के जस्ट बगल में अगर हम यहां पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका सबसे ज्यादा होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसके अंदर तो भाई फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो कम ही होने वाला, इन्फिनिटी नहीं होने वाला है, यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिर्फ इसके कारण होगा, इसके कारण नहीं होगा। और यहां पर हम कह रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण और इसके कारण बराबर आ रहा है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी से घटते हुए इतना पहुंचा है कि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाए। फिर सुनो, प्लस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इनफाइनाइट है, इसे क्लोज है बहुत ज्यादा, लेकिन इस माइनस वाले कारण कुछ फाइनाइट है, ठीक है, कुछ है लेकिन उतना नहीं है कि ये इसको काउंटर कर पाए, यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे कम है एज कंपेयर टू प्लस 1 कूलम चार्ज, क्योंकि इसकी इन्फिनिटी है, तो बहुत क्लोज में बात कर रहे हैं, तो अगर हम इस जगह पर बात कर रहे थे, जैसे से हम आगे बढ़ते चले गए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि डिस्टेंस बढ़ते आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे घटेगा और इसका भी घटेगा, लेकिन इस तरह से मैच किया कि यहां पर घटते इसका इलेक्ट्रिक फील्ड घटते 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 इसके बराबर आ चुका है, माइनस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यहां बराबर आ चुका है इस जगह पे,
यानी कि इस पूरे रीजन में 1 कूलम वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू 9 कूलम वाले का। और उसके बाद इस रीजन में अब इसके देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड घटते आ रहा है और अब इस रीजन में इधर की तरफ 9 वाले का बढ़ता चला जाएगा, यानी कि ये जो माइनस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्लस वाले इधर है ना, तो ये वाला ये निगेटिव वाला और ये प्लस वाला, तो निगेटिविटी इधर की तरफ बढ़ता जाएगा। अगर हम इस जगह बात करेंगे तो निगेटिव वाले का लेंथ एज कंपेयर टू दिस वन, इसका लेंथ भले ही छोटा हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, तो ये लेंथ अगर इतना छोटा है तो इसका लेंथ भी ज्यादा नहीं होगा, इतनी ये सा रहेगा। यानी कि इधर वाला लेंथ यानी कि इधर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन, जिस चक्कर में क्या होगा कि हम देखेंगे कि इस माइनस वाले को इधर की तरफ खींचा जाएगा। फिर समझना मेरी बात को, अगर हम इसको इधर लेके जा रहे हैं तो ये चार्ज फिर इधर आना चाहता है, और अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ये चार्ज फिर इधर आना चाहता है, तो ये किस तरह का इक्विलिब्रियम बना? स्टेबल। किस तरह का इक्विलिब्रियम बन गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम बन गया। समझ में आया मेरा बात? कोई दिक्कत है नहीं है ना, चलो ठीक है। अब कुछ ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ बना रहे हैं, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों चार्ज के कारण हम ग्राफ देख रहे हैं कितना कैसा कैसा बनेगा। दोनों प्लस चार्ज है, दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण किस तरह का ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को हल्का फुल्का आ चुका है, हम इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहेंगे, है ना, नहीं लेंगे, बन जाएगा आराम से ग्राफ। सबसे पहले नंबर में हम इस क्यू के ऊपर बात कर रहे हैं, ये क्यू यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, हम इसी पिक्चर को हम यहां पर दिखा रहे हैं। इस प्लस क्यू के अगल बगल में हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी होगा और इसके अगल बगल में इन्फिनिटी हो रहेगा। तो अगर हम इस क्यू के इस पॉइंट पर बात करेंगे, इस राइट साइड के पॉइंट पर बात करेंगे, तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ निकलता है, यानी कि प्लस डायरेक्शन में होगा और इन्फिनिटी होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस डायरेक्शन में इन्फिनिटी है, कोई दिक्कत है? प्लस डायरेक्शन में इन्फिनिटी आ रहा है। और अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, इस प्लस के लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनेगा, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन बनेगा और इन्फिनिटी बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी बन गया। इस प्लस से बहुत दूर जाएंगे, अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया तो ये ग्राफ हमारा कहीं ना कहीं इस तरह से बनेगा। समझ में आया? अब इस प्लस के कारण बात करते हैं, इस प्लस के कारण इधर बात करेंगे, इस पॉइंट पर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, यानी कि प्लस डायरेक्शन में रहेगा इन्फिनिटी और प्लस यानी ऊपर की तरफ, फिर इधर से इन्फिनिटी गए तो इन्फिनिटी पर डिस्टेंस पर फिर से जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं ऐसे बन जाएगा इसका अंदर, ठीक है ये बात। अब बात करते हैं बीच में किस तरह का पिक्चर बनेगा। अरे बीच में पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है जस्ट सेंटर पर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा, और उसके बाद पता है इधर की तरफ इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी से घटते हुए जीरो आया और ये भी इन्फिनिटी तक पहुंच गया। समझ में आया? अगर आप नहीं आया फिर से बनाते हैं ये वाला को, देखो ये ऐसे घटते जाएगा, घटते घटते बीच में से पास किया जीरो और फिर ये इन्फिनिटी को रीच कर गया, ये ग्राफ बन गया, ये हो गया हमारा प्लस क्यू और ये हो गया हमारा प्लस क्यू। कॉपी कर लो जल्दी से, अगला पिक्चर बनाते हैं इस वाले सिस्टम का। मान लेते हैं कि इस बार हमको यहां पर दिया है प्लस में 1 कूलम का चार्ज और यहां पर दिया है माइनस में 9 कूलम का चार्ज। अब बोल रहे हैं इसका एक ग्राफ बना के दिखाओ, इसका ग्राफ जब बनाने जाएंगे चलो देखते हैं क्या क्या हो रहा होगा। यही है 2-3 पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं फटाक से, ठीक है, ओके। यहां पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास प्लस 1 कूलम चार्ज है और यहां पर माइनस में 9 कूलम चार्ज है, तो प्लस वाले के कारण तो हम जानते हैं कि इधर तो पिक्चर हमारा कहीं ना कहीं इधर वाले का है ना, पहले आउट साइड का बना लेते हैं पिक्चर, इधर प्लस वाले का कम से कम, तो ये तो नहीं रे, गुड, इधर नहीं बन सकता, इधर ही बनेगा। चलो देखो ध्यान से क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमको पता है मान लेते हैं इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो प्लस छोटा वाला चार्ज है एक्चुअली में, इसके इधर में ही कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आने वाला है जो कि 5 सेंटीमीटर पर आएगा, ये हमको पता है, तो कहीं ना कहीं 5 सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है, रुक जाओ।
अब हम बात करते हैं, चलो जीरो जहां पर भी होंगे उसे मतलब नहीं, चलो यहां पर बात करते हैं, इसके इधर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में होगा ना, इसके राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पर होगा, इन्फिनिटी पर है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नाइन इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा यहीं पर एक और चीज देख लेते हैं, इसके इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही बनने वाला है, इन्फिनिटी पर आएगा, है ना। ये दो तीन पॉइंट हम प्लॉट कर ले रहे हैं, फिर बाद में देखा जाएगा, और यहाँ पर जीरो भी है, ठीक है। अब नाइन वाले के ऊपर बात करते हैं, नाइन वाले के जस्ट राइट साइड में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में आएगा, निगेटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी हो जाएगा, और फिर बहुत दूर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ये ग्राफ हमारा कहीं ना कहीं इस तरह से बनने वाला है, आगे समझ में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नाइन वाले के जस्ट इस पॉइंट पर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इन्फिनिटी रहेगा, लेकिन इधर बनेगा, नाइन माइनस के तरफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इधर की तरफ मतलब प्लस, इधर की तरफ मतलब प्लस, तो प्लस में इन्फिनिटी, यहां से इन्फिनिटी से चला फिर इन्फिनिटी पहुंचा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं वन वाले के क्लोजर में मिनिमम आ जाएगा, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा डोमिनेंट करेगा, तो वन वाले क्लोज में ज्यादा, और फिर ये ग्राफ कहीं ना कहीं इस तरह से फ्लो करेगा, और यहां पर कहीं ना कहीं हमको मिनिमा दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, ये हम निकाल भी सकते हैं। खैर अगला पॉइंट देखते हैं, यहां पर से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगला, यहां से ये हमारा इन्फिनिटी से घटते हुए फिर जीरो पहुंचेगा, ठीक है, जीरो पहुंचा, और उसके बाद फिर यहां पर याद है यहां पर से भी हम बात की थी, यहां तक मैं इसका डोमिनेंट करते गया था, उसके बाद ये बढ़ेगा, यानी कि नाइन वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाना स्टार्ट करेगा, तो नाइन वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता बढ़ता गया, और एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि जब नाइन वाले का डोमिनेंट करते करते फिर इन्फिनिटी पर जाकर के जीरो हो जाएगा, ये मैक्सिमा को रीच करके और फिर ये जीरो को अचीव करेगा इस तरह से, क्योंकि इन्फिनिटी पर तो फिर से फाइनली जीरो आने वाला है। ये ग्राफ देख लो बहुत खतरनाक बना, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पिक्चर है जो कि जेई में आ चुका है, समझ में आ गया यहां तक बात। ये है हमारा प्लस में वन कूलम का चार्ज, और यहां पर है माइनस में नाइन कूलम का चार्ज, तो दोनों प्लस वाला भी सिखा दिए और माइनस वाला भी सिखा दिए, समझ में आ गया, कॉपी कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो कंडीशन है, जो सवाल दिख रहा है, इस सवाल में हमको यहां पर कहा गया है कि पहला नंबर में हम केस वन ले लेते हैं और एज्यूम कर रहे हैं यहां पर हमको प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, यहां पर भी हमको प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, और सेंटर पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां पर हमको कोई चार्ज Q को रख दिया गया है और वो भी प्लस है, ठीक है। अब हमको यहां पर चेक करना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो किस डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम तो है ही यहां पर, स्टेबल है तो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है कि इस डायरेक्शन में है, और अगर उसके स्टेबिलिटी को थोड़ा सा भी हम हिलाते हैं तो उस थोड़ा सा हिलाएंगे तो उसके कारण उसका टाइम पीरियड कुछ एस एच एम करने लगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम एस एच एम होता है तो उसका टाइम पीरियड भी निकालना है हमको। तो पहले हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस, एज्यूम करते हैं इस चार्ज को उठा करके हम इधर की तरफ y में थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, चलो ऊपर नहीं हम नीचे ही कर लेते हैं डिस्प्लेस, ठीक है, नीचे कर लेते हैं। तो ये प्लस वाला, इस प्लस वाले चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज है, इस चार्ज को अगर हम यहां पर भेज दें तो ये प्लस वाला इस प्लस वाले को इधर की तरफ पुश करेगा, और ये प्लस वाला इस प्लस वाले को इधर पुश करेगा, तो नेट कहीं ना कहीं इस पर फोर्स इधर लग जाएगा, इस चक्कर में देखो एक्सटर्नल फोर्स इधर लग गया, ये चार्ज कभी भी उधर नहीं जाएगा, फोर्स मेरा सारा इधर लग रहा है, ये चार्ज उधर नहीं जाएगा, यानी कि इन द वाई डायरेक्शन इट मस्ट बी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या बोलेंगे पहला कंडीशन में, इन दिस बाय डिस्प्लेसिंग, लिख लेते हैं बाय डिस्प्लेसिंग प्लस क्यू चार्ज इन वाई एक्सिस डायरेक्शन इट मस्ट बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम इसको एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझ गए, इस पिक्चर को कॉपी कर लो जल्दी से लिखो यहां से यहां तक, है ना, ये हो गया हमारा खत्म हो गया, चलो ठीक है, फटाफट।
अब हम इसको समझ चुके हैं कि वाई में अनस्टेबिलिटी दिखा रहा था, हमने इसको एक्स में थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, मान लेते यहां पर डिस्प्लेस कर दिया, किसी डिस्टेंस एक्स से डिस्प्लेस कर दिए हैं हम इसको, और यहां से का डिस्टेंस हम मान लेते हैं ए है, यहाँ है ना, ये डिस्टेंस हमारा ए मान लेते हैं, इधर भी है इधर भी है, मानते हैं ज्यादा कचरा नहीं फैलाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इधर भेज दे रहे हैं यहां पर, इस जगह पर हम रखे हैं इसको, तो ये प्लस वाले कारण, यहां पर देखो प्लस क्यों चार्ज है, ये प्लस वाला इसको इधर रिपेल कर रहा होगा और ये प्लस वाला इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, कौन बड़ा होगा बता दो, फोटो गड़बड़ बन गया, क्योंकि इसके नजदीक में आएगा तो ये वाला बड़ा बन जाएगा और ये दूर में पहुंचा है इसलिए इसका वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो हम ये कह देंगे कि F1 और F2 में बड़ा F1 है और F2 छोटा है, तो नेट फोर्स कहीं ना कहीं इधर की तरफ लग जाएगा और नेट फोर्स इधर लगेगा उधर की तरफ एम ए हो जाएगा, एक्सप्रेशन कर जाएगा। तो हम यहां पर कहेंगे कि एम ए जो होगा वो हमारा हो जाएगा F1 माइनस में F2, है ना, एम ए जो होगा F1 माइनस में, क्योंकि इधर की तरफ रिस्ट्रेनिंग फोर्स लग गया। तो मास इंटू एक्सेलरेशन तो ठीक है ठाक है, F1 कौन हो जाएगा, ये डिस्टेंस F1 यानी कि ये वाला सॉरी, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हम जानते हैं अगर x है ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा a माइनस में x डिस्टेंस हो जाएगा और ये डिस्टेंस बचेगा हमको a प्लस में x डिस्टेंस हो जाएगा। F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, k q q अपॉन a माइनस में x का होल स्क्वायर माइनस में k q q अपॉन a प्लस में x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम यहां से एम ए लिख दें के क्यू क्यू तो हमको कॉमन ही दिख रहा है, ठीक है, और अगर हम यहां पर एलसीएम लिखेंगे तो ऊपर जाएगा यहां भी चला जाएगा, तो ए प्लस में एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा हमको यहां से ए माइनस में एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस में एक्स का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस में एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सीखना है इसी से, क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत सारे अब मिलेंगे जो कि सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह से देखना ध्यान से, ऊपर वाले को ब्रेक करना है आराम से, नीचे वाले को ब्रेक नहीं करना है। ए स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर प्लस में टू ए एक्स लिख देंगे और माइनस में लिखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर प्लस में टू ए एक्स बन जाएगा। नीचे वाले में हम क्या करेंगे, क्योंकि हम एक बात कह देंगे एक्स हमारा बहुत छोटा है एज कंपेयर टू ए, ठीक है, एक्स हमारा बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू ए, हम ए को कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से भी और ए को कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से भी, एक्स ऐसे भी छोटा है तो एक्स को उड़ा देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर यानी कि ए पावर फोर बचेगा, ठीक है, और यहाँ से भी देख लो ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर खत्म हो गया तो बच गया अब फोर ए एक्स बच गया, तो के जगह क्या लिख सकते हैं, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू हो गया, इधर हो गया फोर ए एक्स अपॉन ए पे पावर फोर, यहाँ हो गया मास इंटू सॉरी ए एक्सेलरेशन है, ये हम इसको कैपिटल ए लिख देते हैं जो ज्यादा बेटर रहेगा, एम ए है ना, ठीक है, ए से ए खत्म आ गया तो ए एक्सेलरेशन कितना आ गया, देख लो ध्यान से, क्यू क्यू फोर से फोर खत्म हो गया, ठीक है, तो यहां से आ गया हमारे पास एम पाई एप्सिलॉन जीरो ए का क्यूब इंटू एक्स, ये देखो तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया, यहां से हम इसको बाय कंपेरिजन एक्सप्रेशन बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स फोर एस एम एस एम भी होता नहीं है, तो ये हो गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू क्यू अपॉन एम पाई एप्सिलॉन नॉट ए का क्यू, तो यहां से टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टू पाई रूट ओवर पाई एम एप्सिलॉन नॉट ए का क्यू अपॉन क्यू क्यू, दैट्स योर आंसर है ना, ओमेगा इक्वल टू होता है टू पाई बाय टी, ठीक है, तो यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल लिए इसका फ्रीक्वेंसी करने, मतलब क्या टाइम पीरियड निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी भी निकाल ही लेंगे घुमा करके, समझ में आ गया, दैट्स अ टू इजी क्वेश्चन, लेकिन हाँ कुछ कैलकुलेशंस थे, ठीक है, अब इसका पार्ट टू पे बात करते हैं, जल्दी से उसको कॉपी करो, ठीक है। केस टू में क्या कह रहा है, यही था हमारे पास चार्ज बेसिकली प्लस क्यू और यहां पर भी था प्लस क्यू, है ना, और अगर हमने इसको क्या किया, इसको हमने वाई डिस्टेंस पर हमने वाई साइड में हमने इसको डिस्प्लेस किया, लेकिन हाँ चार्ज हमारा हो गया माइनस में क्यू चार्ज,
अब माइनस क्यू चार्ज को अगर हम इधर इधर कर देंगे तो वो हमारा फिर इस डायरेक्शन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम शो करेगा, तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में इसको अब डिस्प्लेस कर सकते थे। अब इसको करने से क्या फायदा होगा, देखो प्लस वाले को, अब वो तुम्हारा काम है प्रूव करना कि इधर डायरेक्शन में क्यों होगा अनस्टेबिलिटी, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे है, देखो देखो प्लस वाला इसको क्या करेगा, इधर की तरफ खींचेगा, इसका वैल्यू एफ हो जाएगा, और ये प्लस वाला इधर की तरफ खींचेगा, एफ हो जाएगा, तो रिजल्टेंट किधर बनेगा, इधर ही बनने वाला है ना। और अगर ये थीटा है एंगल, ये भी थीटा एंगल है, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, कितना बनेगा, 2f cos 2 थीटा बाय 2 बनेगा, है ना। और ये डिस्टेंस को y मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस कुछ a है, ठीक है। तो बेसिकली ये बन गया हमारे पास 2f cos थीटा, और यहां से हम लिख सकते हैं cos थीटा का वैल्यू क्या है, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस ये आ जाएगा ना, तो y अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर दिया जाएगा, और y हमारा अगेन वही बहुत छोटा है। इस कंडीशन में क्या बोलेंगे भाई, जो नेट फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, ये एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, यानी कि एम ए जो बनेगा, फिर से कैपिटल में लिखना पड़ेगा क्योंकि ए है यहाँ पर, वो बनेगा हमारे पास 2f cos थीटा के बराबर। एम ए इक्वल टू क्या जाएगा, 2f के जगह पे क्या बात करेंगे, f f कितना हो जाएगा यहाँ पर, देख लो वो भी f भी देख लेते हैं, k q q अपॉन दैट मच ऑफ डिस्टेंस का होल स्क्वायर, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है ना, तो बेसिकली ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर ही रह जाएगा, है ना। तो के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा जब लिखेंगे वाई अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो कैपिटल ए बराबर क्या हो जाएगा, ये एम नीचे आ जाएगा, और के भी हमारा टूट जाएगा, यहां से जाएगा हमारे पास क्यू क्यू अपॉन टू रहने देते हैं एम इधर, फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, यहां तक फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के जगह पे लिखते हैं, और ये देखो साफ साफ दिख रहा होगा हमको ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, अच्छा वाई बहुत छोटा है तो वाई स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, दूसरों को मतलब है ही नहीं, तो वाई स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर गया, ए का स्क्वायर यहां भी दिख रहा है और यहां पर ए दिख रहा है, बेसिकली हो गया ए का क्यूब इंटू वाई हो गया, ठीक है यहां तक, तो इसको हम काउंट दे रहे हैं, ठीक है, मजा आ गया, क्या बात है, क्यू क्यू अपॉन टू एम पाई एप्सिलॉन जीरो ए का क्यूब इंटू वाई दिख रहा होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई टाइप्स का ए आ रहा है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर, ये है ना, टू पाई एम एप्सिलॉन जीरो ए का क्यूब अपॉन कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, दैट्स योर आंसर, है ना, सॉल्व कर लेना है क्योंकि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू देख लो क्या आ रहा है, ये ना, अरे क्यू क्यू अपॉन टू एम पाई एप्सिलॉन जीरो ए का क्यूब, है ना, समझ में आ गया, देख बात, चलो जल्दी कॉपी करते जाओ, हाँ चलो रखो। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हमारे पास फोर चार्जेस हैं, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू, और इन सब का डिस्टेंस कुछ ए दिया हुआ, सारे ही स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर है जो दिख भी रहा होगा पिक्चर में, ठीक है, सॉरी कैपिटल क्यू दिया हुआ है, ठीक है, और इससे किसी h डिस्टेंस पर एक m मास का एक कूलम का एक चार्ज रख दिया गया है, ठीक है, m मास का एक कूलम का चार्ज यहां पर रख दिया गया है, तो कह रहा है कि अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो बताओ कि q का वैल्यू कितना है, अजीब सवाल है, चलो बनाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जब ऐसा कंडीशन है तो सबसे पहले हम फिर से ये समझ में आ गया क्या है पिक्चर, ठीक है, चलो ठीक है, फिर से देखते हैं हम इस वाले पॉइंट को हम बना रहे हैं, इस लाइन को बना रहे हैं, है ना, सिर्फ इस लाइन को, तो हम ऐसे करके इस लाइन को बनाए तो हमको ये पॉइंट हमको एच हाइट पर दिखेगा ऐसे, और ये क्यू यहाँ हमको दिखेगा, और ये क्यू हमको यहाँ दिखेगा, कोई दिख रहा ना, हम एच हाइट यहाँ पर बना दे रहे हैं,
तो बता सकते हो ये लेंथ कितना बनेगा, अगर ये ए है, ये ए है, ये 90 डिग्री है, ये तो ए रूट टू हो जाएगा, उसका आधा जाएगा ए बाय रूट टू, ये लेंथ क्या बनेगा, ए अपॉन रूट टू बनेगा ये लेंथ, और ये एच हो गया, ये डिस्टेंस भी निकल सकता है। अब यहाँ प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू कारण यहाँ पर फोर्स लगेगा ऐसे, और इस प्लस क्यू कारण फोर्स लगेगा ऐसे, आज बस समझ, ठीक है। तो पहले हम इसी का बात करते हैं, एफ एफ हो गया, तो एफ का वैल्यू क्या बनेगा पहले, है ना, एफ यहीं पर लिख लेते हैं, एफ का वैल्यू क्या बनेगा, एफ का वैल्यू क्या होगा, के क्यू दूसरा चार्ज यहाँ वन, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, और ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा, एच का स्क्वायर बाय ए, एच का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय टू हो जाएगा ना, रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा, का होल रूट का होल स्क्वायर करें दिया जाएगा। अब एज्यूम कर लेते हैं ये एंगल हमारा थीटा है, तो कह सकते हैं ये भी एंगल हमारा थीटा ही बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा एफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा एफ साइन थीटा। ये सारा कहानी तब है जबकि हमने सिर्फ एक चार्ज कंसीडर किया है, अगर हम इस चार्ज कंसीडर करेंगे तो एफ इधर आ जाएगा, उसे एक कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ऐसे बनेगा, साइन वाला ऐसे बन जाएगा, और कॉस वाला इस वाले कॉस को काट देगा, तो बचेगा एफ साइन थीटा उधर, यानी कि दो चार्ज पे देखें तो दो एफ साइन थीटा ऊपर जुट रहा है, तो तीसरे को भी देखेंगे तब भी तीसरा भी एफ साइन थीटा ऊपर ही जुटेगा, और चौथा वाला भी जुटेगा, तो नेट फोर्स जो ऊपर आने वाला है, एफ नेट जो ऊपर की तरफ आने वाला है, वो होने वाला है फोर एफ साइन थीटा, है ना, फोर एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ आने वाला है ऐसे, तो mg भी नहीं चलेगा क्योंकि मास है, तो mg भी नहीं चलेगा, तो वो mg को बैलेंस कर लेगा, समझ में आ गया बात। तो बाकी लिख लेना है फोर एफ के जगह पे वही लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन दिस वन एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अपॉन टू का रूट इज इक्वल टू एम जी, और यहां से हम क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, सॉल्व कर लेना है, क्यू का वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, बहुत सारे चीजों का सीखे हैं, है ना, और उम्मीद करते हैं सब समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया टेलीग्राम ऐप है लिंक पे जो भी क्वेरी है डालो पूछो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बताओ कि क्या क्या समझ, थोड़ा फास्ट भी चल रहे हैं हमको लग रहा है, ठीक है स्लो कर दें, ठीक बता कोई मतलब है नहीं, तो एक घंटा क्लास नहीं चलेगा तो क्या चलेगा, कम से कम है थोड़ा पेन कॉपी लेकर के बैठा करो, फटाफट फटाफट समय देते हैं कॉपी करने का, है ना, तो एक घंटा का वीडियो है कम से कम डेढ़ घंटा का तो लगता ही होगा देखने में, डेढ़ दो घंटा ऐसे ही क्लास में होता ही है, तो उसको थोड़ा देखना है अपने हिसाब से, ठीक है। कॉपी पे नोट्स बनाओ, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि सीखना है, सीखना कैसे है ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर इसी तरह से लॉकडाउन में फंसे हुए तो चलो सीख रहे हैं। पहला चीज़ हम चाह रहे थे तुम लोग को बोलना कि भाई यूट्यूब पे उतना चीज़ नहीं आ पाता है, कंटेंट नहीं आ पाता है, क्योंकि एक तो फील नहीं आता है क्लास में, यहाँ पर क्लास थोड़ी ना है, कुछ नहीं, यहाँ पर मोबाइल रखे हुए हैं ट्राइपॉड पे शूट हो रहा है, पहला तो ये दिक्कत है, तो कोशिश करते हैं कि बहुत चीज़ें हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो फील नहीं आता है, ठीक है ना, पहली बात तो ये सीख लो, तो थोड़ा ट्राई करो घर से भी, है ना, घर पे बैठो और बुक को जैसे एससी वर्मा है तुम्हारे पास उसको कम से कम बनाओ सवाल, शुरू से एक एक करके सवाल को स्टार्ट करो बनाना, ठीक है। आज हम लोग पाँचवा लेक्चर देख रहे हैं ना, तो अब इतना चीज़ तो सीख ही चुके हैं कि कम से कम कुछ कुछ बात को अब समझ सकते हैं पूरे के पूरे चैप्टर में, क्योंकि अगला चैप्टर से हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे, इसलिए आज हम चीज़ों को कम समेट दिए हैं पॉइंट चार्ज के ऊपर जितना सारा स्टडी था, देखो तो थक गए। चलो ठीक है, एक और बात बताना था कि कोशिश करो कि जितना चीज़ हो सकता है बुक से, ठीक है, हम यूट्यूब पर हैं बट हमको यूट्यूब का पढ़ाई थोड़ा पसंद नहीं आता है, ठीक है ना, मतलब लिटरली नहीं पसंद आता, ये तो यहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, कंटेंट भी उतने अच्छे नहीं है, ठीक है, और कोशिश करते हैं, ठीक है, क्लास का बात अलग होता है, ऑफलाइन क्लास की चीज़ें अलग होती है, फीलिंग अलग होता है, तुम्हारे सवाल होते हैं बहुत सारे, हम रोज़ रोज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि सवाल पूछो, वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि क्लास में सवाल होते हैं, यहाँ सवाल नहीं होता है क्योंकि कोई है नहीं सामने में ना, ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाता है, और तुम्हारे भी बहुत सारे सवाल, हमको लगता है कि हम जितना आता है उतना में सेटिस्फाई हो जाता है, ये चीज़ नहीं है, इससे जेई की तैयारी नहीं हो सकती, ठीक है, थोड़ा कोशिश करो, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए, समझदार तुम लोग है ये हो,
ठीक है, क्या करोगे, थोड़ा बुक पढ़ो, है ना, बुक में लिटरेचर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने का डालना है, क्वेश्चंस पढ़ने का डालना है, जितना क्वेश्चंस, देखो हम इसलिए बहुत सारा क्वेश्चंस करवा देते हैं कि अल्टीमेट गोल क्या है तुम लोग का, क्वेश्चंस बनाने हैं, क्वेश्चंस जितना बना सकते हो एक घंटे में, कम से कम तो भाई हमारे पास 60 मिनट होते हैं, उसमें से 45 या 30 भी कम से कम बनने चाहिए क्वेश्चन, वो जहाँ से बने, SC वर्मा से बने, या फिर क्या बोलते हैं NCERT से बन जाए, या फिर क्या बोलते हैं रॉबर्ट रसनिक से बन जाए, या फिर एरोडोप से तो नहीं बनेगा उतना तेजी से, ठीक है, हाँ लेकिन कोशिश कर सकते हो, लेकिन अभी हम यही कहेंगे टेक्स्ट बुक को पढ़ो, अभी सीखने का समय है, सीखना है, इंपॉर्टेंट हिस्सा यही है, सीखना है जितना ज़्यादा हो सकता है कि बुक को, अभी समय मस्ती से सीखो ना, कोई दिक्कत है, और कुछ बोलना नहीं था हमको, ठीक है, तो इसलिए बुक को पढ़ो, उसमें से क्वेश्चन समझो, ठीक है, तब और मज़े आएंगे इन सब चीज़ों को समझने में, ठीक है, नहीं तो फिर वही क्लास का थका पेल चले जा रहे, अरे जिंदगी का मतलब है नहीं, अरे तो हम एंग्री हो गए क्या, एंग्री नहीं है भाई, ठीक है, हाँ थोड़ा सठिया गया है, दिमाग खराब हो गया है घर बैठे बैठे, चलो ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, है ना, बाय।